ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत के T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कई नए चौंकाने वाले फैसले भी लिए गए। सबसे बड़ा फैसला जो भारतीय दर्शकों के दिल को छू गया वो था कि महेंद्र सिंह धोनी को एक मार्गदर्शक के रूप में टीम में शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही धोनी टीम में एज अ मेंटर शामिल हुए, सबसे बड़ा सवाल रवि शास्त्री पर उठा। क्या बीसीसीआई को रवि शास्त्री पर भरोसा नहीं? रवि शास्त्री के होते हुए टीम को एक मेंटर की जरूरत क्या है? ये सवाल सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है। आखिर धोनी को मेंटर के रूप में शामिल किए जाने पर क्यों क्रिकेट दिग्गजों के बीच में बवाल छिड़ा हुआ है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मामले में खुद रवि शास्त्री ने क्या कहा है, क्या कहा है सौरव गांगुली जिन्होंने धोनी को मेंटर बनाया। सौरव गांगुली ने भी इस बारे में एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो वहीं सबसे ज्यादा ट्रोल किए गए गौतम गंभीर, लेकिन गौतम गंभीर ने भी इस मामले में बयान दिया है। तो वहीं धोनी के सबसे करीबी दोस्त सुरेश रैना ने भी धोनी के मेंटर बनने के बाद प्रतिक्रिया दी है। और भी तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने इसके बारे में अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ क्रिकेट दिग्गजों ने इसे भारतीय टीम के लिए खतरनाक बता दिया है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्यों टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इन दिग्गजों का मानना है और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे बड़े दो चौंकाने वाले फैसले तो तब सामने आते हैं, युजवेंद्र चहल को स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़े और चौंकाने वाले फैसले थे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बताई, क्यों नहीं दिया गया चहल को जगह, क्यों नहीं मिली धवन को जगह? तो पहले तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या बताई, उसके बाद जानेंगे तमाम दिग्गजों की राय और धोनी के मेंटर बनने पर क्यों हो रहा है बवाल, क्या कहा है शास्त्री ने, वो भी हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। भारत के सलामी बल्लेबाज और श्रीलंका दौरे पर भारत के कप्तान शिखर धवन को बड़ा झटका लगा है। उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। धवन इन दिनों तलाक के मामले से जूझ रहे हैं, हालांकि वह इस पर चुप है, लेकिन टीम में जगह नहीं मिलने से उन्हें दोहरा झटका मिला है। धवन की बजाय टीम में ईशान किशन को जगह दी गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस वर्ष की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार इंटरनेशनल डेब्यू के बाद ईशान किशन एक प्रमुख दावेदार बन गए हैं। 32 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जैसे अन्य दावेदारों से आगे छठे बल्लेबाज के रूप में चुने गए। चीफ सेलेक्टर ने चेतन शर्मा का धवन के मामले में कहना है, शिखर धवन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वह श्रीलंका दौरे पर कप्तान थे, जो बात हुई वह बताई नहीं जा सकती, लेकिन वो महत्वपूर्ण है और ढांचे का हिस्सा है। इस समय जरूरत दूसरे खिलाड़ियों को आजमाने और शिखर को कुछ आराम देने की है। वह महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और जल्द ही वापसी करेंगे। टीम की घोषणा बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने चहल को टीम में शामिल नहीं करने के पीछे वजह का खुलासा किया है। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि हम ऐसे स्पिनर बॉलरों का चयन करना चाहते थे जिसकी स्पीड अधिक हो और इसके चलते राहुल चहर को चहल पर तरीज दी गई। वरुण चक्रवर्ती को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल करने पर जिन्होंने अब तक केवल 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस पर चेतन शर्मा ने कहा, वह राष्ट्रीयमय गेंदबाज है, टीम उन्हें पढ़ नहीं पा रही है, उसने आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी की और वह एक सरप्राइज पैकेज होगा। तो आइए जानते हैं धोनी को मेंटर बनाए जाने के बाद तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने क्या रिएक्शंस दिए हैं। सबसे पहले तो जानते हैं आखिर उनके करीबी दोस्त सुरेश रैना ने क्या कहा। बीसीसीआई के इस फैसले पर भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि बीसीसीआई ने आगामी T20 विश्व कप के लिए धोनी को विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त करने का एक शानदार निर्णय लिया। रैना ने ट्वीट करते हुए कहा, आगामी T20 विश्व कप पर टीम इंडिया को शुभकामनाएं। चाइनीज टीम बहुत संतुलित दिखती है। टीम में अश्विन की वापसी वाकई में एक अच्छा संकेत है और बीसीसीआई द्वारा मेंटर के रूप में MS धोनी भाई को शामिल करने का निर्णय बेहद ही शानदार है। हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा, धोनी को मेंटर बनाए जाने का फायदा टीम में शामिल युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज होने के नाते टीम के युवा क्रिकेटर्स के दबाव से निपटने में सहायता मिलेगी। पूर्व कप्तान MS धोनी ने भारतीय टीमों को आईसीसी का हर मुख्य खिताब जिलाया है। मीर ने कहा, धोनी को मेंटर बनाना बहुत अच्छा फैसला है। टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर, ये सभी स्किल वाले हैं, लेकिन धोनी जिस तरह से बड़े मुकाबलों में दबाव को हैंडल करते हैं उसके लिए शायद मेंटर के तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि गांगुली ने बीसीसीआई के एक ट्वीट में कहा,
धोनी को टीम में शामिल करना T20 विश्व कप के लिए उनके अपार अनुभव का इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। मैं धोनी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए टीम की मदद के लिए BCCI की पेशकश स्वीकार करी है। अभी मैं आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने धोनी का शामिल होना टीम इंडिया के लिए खतरनाक बताया है। वो कैसे, बताने से पहले आइए जानते हैं रवि शास्त्री ने क्या कहा। उनके मेंटोर बनाए जाने पर हेड कोच रवि शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया भी काफी अहम हो जाती है। शास्त्री से पूछा गया कि इस बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा टीम के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि उसके साथ धोनी जुड़ रहे हैं। BCCI ने वाकई में बहुत अच्छा सोचा और प्लान पर अमल किया। MS धोनी का ड्रेसिंग रूम और डग आउट में बहुत बहुत स्वागत, मतलब खिलाड़ियों के लिए समस्या का समाधान है। ये एक शानदार मूव है। BCCI के सेक्रेटरी जय साव पहले भी धोनी की टीम इंडिया से जोड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि रवि शास्त्री MS धोनी की टीम में शामिल किए जाने से कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि उनके अनुभव के बारे में, हम जानते हैं उनके तजुर्बे के बारे में, हमें उनसे क्या फायदा मिल सकता है। जब मैंने पहली बार धोनी से जुड़ने की खबर सुनी तो मैं काफी रोमांचित हो उठा। ये पूरी टीम के लिए अच्छा संकेत है। बीच सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। सुनील गावस्कर ने कहा कि बेशक गावस्कर के कंसलेटर बनने पर समय के साथ कोच की कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन गावस्कर ने साफ शब्दों में कहा धोनी और मौजूदा मुख्य कोच रवि शास्त्री के बीच ये समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि शास्त्री को पता है धोनी कोच पद को लेकर इच्छुक नहीं है। गावस्कर ने कहा अब रवि शास्त्री को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी कोचिंग में कोई रुचि नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री की जोड़ी अच्छी जमेगी तो भारतीय टीम को विश्व कप में फायदा पहुंचेगा, लेकिन अगर वहां पर अगर किसी चीज को लेकर असहमति या मतभेद होंगे जैसे टीम चयन और अन्य फैसले, तो उसका असर टीम इंडिया पर पड़ सकता है। जी हाँ, गावस्कर ने यह भी कहा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के आने से ही भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा, उनका इतना अनुभव है। धोनी का टीम के साथ होना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, बस मेरा यही कहना है कि कोई टकराव ना हो। अगर ये दोनों एक ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर भारतीय टीम के लिए फायदा ही फायदा है, लेकिन अगर वहां पर अगर किसी चीज को लेकर असहमति या मतभेद होंगे जैसे टीम चयन और अन्य फैसले, तो उसका असर टीम इंडिया पर पड़ सकता है। इनको भी टीम में अचानक प्रवेश करने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चेतन शर्मा ने आगे कहा रविंद्र चंद्र अश्विन IPL में नियमित रूप से खेल रहे हैं, उन्होंने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। जब आप विश्व कप में जाते हैं तो आपको एक ऑफ स्पिनर की जरूरत होती है। सभी को अंदाजा होगा कि UAE में विकेट धीमे हो जाएंगे क्योंकि वहां IPL भी खेला जाएगा, स्पिनरों को सहायता मिलेगी, इसलिए ऑफ स्पिनर का होना जरूरी है। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल है, अश्विन की टीम में जगह मिली है, इसके पीछे IPL में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। बुधवार की रात भारतीय टीम का चयन हुआ, सूर्य कुमार यादव को मौका मिला। इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए यादव ने लिखा सपने सच होते हैं, मैं टीम T20 वर्ल्ड कप में अपने देश का नेतृत्व करने का मौका मिलने में काफी भावुक हूं और मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा मेरे कोच और परिवार को उनके बलिदान, निरंतर प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी सारी शुभकामनाएं पाकर पूरी तरह मैं अभिभूत हूं और खुद को सचमुच धन्य महसूस कर रहा हूं।